ਮੱਟੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੱਸ ਦੇ सो हे गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक इंस्टाग्राम की न्यू वायरल रील्स वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया। गाइस अभी अभी जो आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में प्रीव्यू में वो इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है और अभी अभी आप मेरी स्क्रीन पर प्रीव्यू में ये वायरल रील देख रहे हैं। गाइस ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग का चल रही है। अगर आप भी इस वीडियो की एडिटिंग फिलहाल में ही एडिट करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं तो आपकी वीडियो 100% वायरल होने का चांस हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक करना है और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी डेली रील्स की एडिटिंग आपके पास तक पहुँचती रहे। सो गाइज अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, VN वीडियो एडिटर। अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और गाइज ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको एडिटिंग के लिए सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको अपने एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है जिस फोटो की आप अपनी रील बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ, मैंने उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर ओरिजिनल पर क्लिक करना है, देन 9:16 पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले जो आपने अपना फ़ोटो ऐड किया है इसके लास्ट में आना, इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा लोगो आता है इस पर क्लिक करके इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद कि जो आपने अपना फ़ोटो ऐड किया है इसकी लेयर आपको 7.75 सेकंड का कर लेना है, ठीक है। 7.75 सेकंड की लेयर इसकी आपको कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 7.75 की लेयर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सिंपली गाइस क्या करना है, इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट इसलिए कर लेना ताकि आप छोटी छोटी बीट्स पर स्प्लिट कर सके, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है, देन अब यहाँ पर आपको वो वीडियो ऐड कर लेना जो अभी आपने अपना फोटो को वीडियो बनाकर एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारी वीडियो ऐड हो चुका है। अब स्टार्टिंग में जो आपने फोटो ऐड किया था इस पर क्लिक करना है और इसको आपको डिलीट कर देना है। अब इसमें आपको एक साउंड ऐड करना है, म्यूजिक ऐड करना है, तो सिंपली टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करना है। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है और म्यूजिक लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है और म्यूजिक यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। और जो म्यूजिक आप ऐड करेंगे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और वो म्यूजिक के लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से क्लिक करके इसकी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको सिंपली, मैं यहाँ पर पहले से ही ऐड कर लिया था तो चॉइस पर क्लिक करना है और राइट पर क्लिक कर देना है। गाइस आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम के लिंक दे रखा है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये म्यूज़िक। तो सिंपली आपने जब ऐड कर लिया है तो सिंपली म्यूज़िक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बीट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप बीट्स पर क्लिक करना है। बीट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 8 बीट्स लगानी है, 8 बीट्स, ठीक है। फर्स्ट बीट आपको लगानी है 0.31 सेकंड पर, सेकंड बीट आपको लगानी है 1.19 सेकंड पर, थर्ड बीट आपको लगानी 3.85 सेकंड पर, फोर्थ बीट 4.46, फाइव बीट 5.18, सिक्स बीट 5.78, सेवन बीट 6.40, 7.03। ये 8 बीट आपको लगा लेनी है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कितने सेकंड पर आपको कौन सी बीट लगानी है। सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है और आपकी बीट्स यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको सिंपली बीट्स के इक्वल अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, बीट्स पर क्लिक करना है, नीचे आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही मैं यहाँ पर अपने सारे बीट्स के बराबर अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेता हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर अपनी सारी बीट्स के बराबर अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लिया है। अब करने के बाद अब यहाँ पर गाइस आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा फोटो है कि हमारा ये वाला है, तो इस फोटो को आपको छोटे छोटे स्प्लिट में बांट लेना है। तो दो फिंगर की मदद से इसको आपको थोड़ा जूम करना है और गाइस जूम करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस फोटो की स्टार्टिंग में आना है। जैसे मैं इस फोटो की स्टार्टिंग में आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, बट अब ये शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इस फोटो को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये स्प्लिट का ऑप्शन शो होने लगा है। तो सिंपली आपको स्प्लिट पर क्लिक कर देना है, ऐसे ही आपको और स्क्रॉल करना है, स्प्लिट का ऑप्शन शो होने लगा है, इस पर क्लिक कर देना है। इन्हीं इसी तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको ओनली ये बड़ा वाला फोटो स्प्लिट कर लेना है, ओनली इस फोटो को आपको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
सो अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपने इस फोटो, बड़े वाले फोटो को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब यहाँ पर इन छोटे छोटे पार्ट्स को जो मैंने स्प्लिट किया है, अब इसमें आपको कौन से पार्ट में जूम लगाना है और कौन से में जूम इन लगाना है और कौन से में आपको दो फिंगर की मदद से जूम करना है, ये सारा प्रोजेक्ट मैंने एक वीडियो में सेव कर रखा है पहले से ही। उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से में आपको कौन सा इफेक्ट्स लगाना है और क्या क्या आपको करना है वीडियो को एडिट करने के लिए। तो मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ, आपको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और मैं उस प्रोजेक्ट को अपने ओपन कर लेता हूँ जो मैंने पहले से ही एडिट कर रखा था, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट मैंने पहले से ही एडिट कर रखा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फोटो आता है, इस फर्स्ट फोटो पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको लास्ट में आना है और एक जूम का ऑप्शन मिलेगा, आपको जूम पर क्लिक कर देना है और फर्स्ट फोटो में आपको जूम इन लगा देना है, राइट पर क्लिक कर देना है। सेकेंड फोटो पर आना है, जूम पर क्लिक करना है और जूम आउट लगा देना है, ठीक। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है और बीच में आपको एक प्लस का साइन मिलेगा कुछ इस टाइप का, आपको इस प्लस पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको करना है वाइट पर क्लिक कर देना, वाइट पर, ठीक। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, स्टार्टिंग में आपको ओनली यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी दो फोटो का काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स पर, इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो हमारे आगे के बड़े बड़े फोटोज में ना मैंने मैं आपको कौन कौन से इफेक्ट्स लगाने हैं ये बता देता हूँ। इस फर्स्ट वाले फोटो पर आना, यानी कि इन छोटे छोटे पार्ट्स के बाद जो फर्स्ट फोटो आता है बड़ा, इस पर आपको क्लिक करना है और इनमें आपको इफेक्ट्स लगाने हैं। तो फर्स्ट फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और इसमें आपको जिटल वाला इफेक्ट्स लगा देना है, ठीक। और एक बात का याद रखना है कि इसको जो आप इफेक्ट्स लगाते हैं उसकी लेयर आपको स्टार्टिंग से रखना है। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, सेकंड फोटो पर आए, इफेक्ट्स पर क्लिक किया और फ्लैश बना, यानी कि ओनली फर्स्ट फोटो पर आपको जिटर लगाना है और सेकंड पर फ्लैश, और उससे नेक्स्ट पर आए, इस पर भी फ्लैश, यानी कि इन सब फोटो पर आपको फ्लैश वाला इफेक्ट्स लगाना है, ठीक है। इन सब फोटो पर आपको फ्लैश वाला इफेक्ट्स लगाना है, जैसे कि आप अभी देख भी रहे हैं। लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है और ये जो हमारा फर्स्ट फोटो था, इस फर्स्ट फोटो के बीच में जो हमारा ये प्लस का साइन मिलेगा आपको कुछ इस टाइप का, यहाँ पर आपको ये प्लस का साइन मिलेगा। और वैसे आपको ये सभी साइन जो अभी मैंने इफेक्ट्स लगा रखा है, ये सभी साइन आपको प्लस के मिलेंगे, बट इन्हें मैंने लगा रखा है, आपको प्लस के साइन मिलेंगे। तो इन पे सब पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक जूम का ऑप्शन मिलेगा, आपको जूम कर देना है, ठीक। राइट पर क्लिक कर देना, इस वाले प्लस पर भी जूम लगाना है, इन सभी प्लस पर आपको जूम वाला लगाना है, ठीक है। बस लास्ट वाले प्लस को आपको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। रहने के बाद अब ये स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग से फर्स्ट फोटो पर आए, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब फर्स्ट फोटो आपका ये हो गया, सेकंड फोटो पर आना है, सेकंड फोटो पर आने के बाद लास्ट में आना है, जूम पर क्लिक करना है और इसमें आपको लगाना है मूव लेफ्ट, ठीक है, मूव लेफ्ट। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, फिर देखिए लास्ट में फर्स्ट फोटो, सेकंड फोटो और थर्ड फोटो, थर्ड फोटो पर आने के बाद जूम पर क्लिक करना है और इस पर लगाना है आपको मूव राइट, ठीक है। सो इस पर भी आपको मूव लेफ्ट लगाना है, इस पर भी आपको मूव लेफ्ट लगाना है, ओके। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, राइट पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आए, फर्स्ट फोटो पर सिंपल, सेकंड पर मूव लेफ्ट और थर्ड पर मूव लेफ्ट। अब मूव लेफ्ट लगाने के बाद अब हम फिर से स्टार्टिंग में आते हैं, इन छोटे छोटे फोटोज से आगे जो हमारा ये फोटो है, ये फोटो हमें सिंपल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फोटो पर इसको हमें कर देना है गाइस मिरर, सिंपल था, मिरर कर दिया। नेक्स्ट फोटो पर आया, इसको हमने दो फिंगर की मदद से बस कुछ नहीं किया, ये फोटो हमारा इतना छोटा था, ठीक है, इसको हमने बस दो फिंगर की मदद से जूम करके यहाँ पर रख दिया, जूम करके बस, ठीक। और नेक्स्ट फोटो पर आए, हमने सबसे पहले इस फोटो को सिंपल से मिरर किया, मिरर करने के बाद हमारा इतना छोटा हो गया था, हमने इसको इस तरीके से इतना जूम कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आए, सिंपल और सिंपल, बट आपको यहाँ पर मिरर कर देना है, सिंपल से मिरर कर देना, ठीक है। बस आपको यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए फर्स्ट फोटो को सिंपल, सेकंड फोटो को आपको सिंपल से मिरर कर देना है, नेक्स्ट फोटो पर आए, सिंपल को जूम कर देना है, फिर उससे नेक्स्ट फोटो पर आए, आपको मिरर करने के बाद जूम कर देना है, नेक्स्ट फोटो पर आए सिंपल, उससे नेक्स्ट पर मिरर, ठीक है। मिरर करने के बाद आपको मैंने इतना बता दिया, इफेक्ट्स भी लगवा दिया है और मैंने आपको यहाँ पर जूम पर आके मूव लेफ्ट और मूव राइट भी लगवा दिया है, आपको ओनली मूव लेफ्ट लगाना है और इससे नेक्स्ट फोटो पर भी जूम पर क्लिक करके मूव लेफ्ट लगाना है, प्लस पर भी बता दिया प्लस पर आपको क्या लगाना है। अब बता रही है हमारे इन छोटे छोटे फोटोज पर आपको क्या करना है, दो फिंगर की मदद से सबसे पहले तो जूम कर लेना है। अब छोटे छोटे फोटोज पर आने के बाद आपको पता ही होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है, किसी फोटो को जूम कर लिया, किसी को मिरर कर दिया, किसी को फिलअप कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर फर्स्ट फोटो पर आए छोटे वाले पर, तो इसको हमारा फोटो हमारा कि इतना था, ठीक है, ये फोटो हमारा इतना था, मैंने क्या किया दो फिंगर की मदद से इतना जूम करके इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट फोटो पर आए छोटे वाले पार्ट्स में फेस दिखा दिए जूम करके, फिर मैंने इसको क्या करा गाइस, मेरा फोटो यहाँ पर सिंपल था, मतलब कुछ इस टाइप से, मैंने सिंपली इसको मिरर करके जूम कर दिया, मिरर करने के बाद इसको मैंने जूम कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फोटो पर आए,
सिंपल को, मतलब सिंपल फोटो था, इस तरीके से जूम कर दिया और मैंने चश्मा दिखा दिया। नेक्स्ट फोटो पर आए, फिर से जूम कर दिया। उससे नेक्स्ट फोटो पर आए, फिर से मैंने इसको जूम कर दिया, मैंने कहा शर्ट दिखा दी। ठीक, अब यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पर आए, ऐसे ही आपको किसी किसी पार्ट को जूम, कभी कोई पार्ट, कभी कोई पार्ट दिखाते रहना है कुछ फोटोज़ के बाद। अब जैसे आप कुछ फोटोज़ दिखा देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, मैं आपको बता दूँ कि एक फोटो फुल रखना है, एक फोटो को आपको कर देना है मिरर, सॉरी फिलअप, सिंपल था फिलअप, सिंपल फिलअप, सिंपल फिलिप, सिंपल फिलिप। ठीक है, फिलिप कैसे करना है मैं आपको बता दूँ, सबके इस फोटो सिंपल है, आपको सिंपल फिलिप पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। सिंपल फिलिप, सिंपल फिलिप, सिंपल फिलिप, सिंपल फिलिप, सिंपल फिलिप, सिंपल फिलिप, एंड के सारे फोटोज आपको सिंपल फिलिप कर देने हैं। बस स्टार्ट के कुछ फोटोज में आपको अपनी फोटो की पोजीशन चेंज करती रहनी है, मतलब कहीं पर जूम, कभी कहीं पर कोई सा पार्ट, कभी कहीं पर कौन सा पार्ट। ठीक है, अब हमारी वीडियो जब वो एडिट हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हमारी वीडियो एडिट हुआ होगा, मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइस सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, जो वीडियो भी आपको अपनी एडिट करानी है, सीखनी है, उस वीडियो को आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जो वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पर एडिटिंग सीखने के लिए शेयर करोगे, उसकी एडिटिंग मैं नेक्स्ट डे आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सबसे पहले लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली सेव एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और आपकी गैलरी के अंदर विदाउट किसी प्रॉब्लम के सेव हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रेंड के साथ।